अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबा तालिबात। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर प्रोग्रामों के सिलसिले में आज हम सर्च पर बात करेंगे। आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में हमने इंटेलिजेंट एंटिटीज़ पर बात की थी और इंटेलिजेंट एंटिटीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने रखते हुए इंटेलिजेंट एजेंट्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स बिल्ड करने की बात की थी और हमने उसके साथ बहुत सारी थ्योरेटिकल और बहुत सारी प्रैक्टिकल मिसालें जो हैं वो आपके सामने रखी थी। आइए हम थोड़ा सा रिकैप कर लें कि पिछले प्रोग्राम में हम इस नतीजे पर पहुंचे थे कि जब भी हम कोई इंटेलिजेंट एजेंट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहला काम हमारा गोल फार्मूलेशन होता है। वी पिक द गोल टू ऑर्गनाइज द बिहेवियर ऑफ एन इंटेलिजेंट एजेंट एंड आर नेक्स्ट step in building the intelligent agents is the problem formulation. Aur problem formulation mein hum panch mukhtalif cheeze hain jinko hum bahut ahmiyat dete hain aur jinko hum organize karte hain. Number 1, an initial state that the agent knows itself to be in. Number 2, an operator to describe an action in terms of which state will be reached by carrying out the action in a particular state. इनिशियल स्टेट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वी डिफाइन इनिशियल स्टेट, देन एन ऑपरेटर जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हमारे एजेंट को ले जाता है। एंड इनिशियल स्टेट एंड ऑपरेटर डिफाइन द स्टेट स्पेस। ये चीज़ बहुत अहम है कि इनिशियल स्टेट और ऑपरेटर, किसी भी इनिशियल स्टेट पे हम ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो हमें नेक्स्ट स्टेट में ले जाता है और इनिशियल स्टेट एंड ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट स्पेस फॉर दैट पर्टिकुलर एजेंट। द सेट ऑफ ऑल स्टेट रीचेबल फ्रॉम इनिशियल स्टेट बाय द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस। अगली चीज जो हमने पढ़ी थी, ए पैथ इज एनी सीक्वेंस ऑफ एक्शन लीडिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। और गोल टेस्ट जो है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एन इंटेलिजेंट एजेंट which is used to determine if the state is in the goal state. अगर हमारा एजेंट जो है, गोल टेस्ट जो है, वो हमें बताता है कि जिस स्टेट में एजेंट है क्या वो स्टेट गोल स्टेट है या वो स्टेट अभी गोल स्टेट नहीं है। और ए पाथ कॉस्ट फंक्शन असाइंस द कॉस्ट टू ए पाथ। अगर हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचना चाहते हैं एंड वी फॉलो ए पर्टिकुलर पाथ, तो उस पैथ के साथ जो कॉस्ट एसोसिएटेड होती है वो इंतहाई अहम होती है। और ताकि हम एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट में जाते हैं तो हम मोस्ट एफिशिएंट या लीस्ट कॉस्ट अगर हमारे पास पैथ हम अडॉप्ट करते हैं तो वो इंटेलिजेंट एजेंट की एक अच्छी क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स गिनी जाएगी। इसके साथ ही ये दो चीज़ें जो हैं, फॉर्मुलेशन द गोल और देन Describing and formulation of the problem, ये दो अहम चीज़ें हैं जो कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में कवर की थी। और पिछले प्रोग्राम में हमने इस चीज़ पर भी गौर किया था कि बाज़ोकात ऐसी सिचुएशंस एक एजेंट को पेश आ सकती हैं कि उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई एजेंट जो हम एजेंट बिल्ड कर रहे हैं ऐसी स्टेट इनकाउंटर करता है जहाँ पर उसे पता नहीं है कि वॉट नेक्स्ट स्टेप टू टेक, वॉट नेक्स्ट एक्शन टू टेक, तो एजेंट को सर्च करना पड़ती है। और आज हम सर्च के जो बुनियादी असूल हैं उन पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पर हम इन चीज़ों को देखेंगे। हम डिफाइन करेंगे कि सर्च क्या चीज़ है, सर्च ट्रीज क्या हैं, डेटा स्ट्रक्चर फॉर सर्च ट्रीज जिसमें हम नोड्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर और एक्सपेंशन क्यूज के लिए डेटा स्ट्रक्चर जो है उस पर गौर करेंगे। फिर हम सर्च की बुनियादी, व्हाट आर दी फंडामेंटल टाइप्स ऑफ सर्च, उस पर बात करेंगे। विल डिस्कस सर्च स्ट्रेटजीज और सर्च स्ट्रेटजीज में हम जो प्रेवलेंट ब्लाइंड सर्च स्ट्रेटजीज हैं, आज के प्रोग्राम में हम ज़्यादा अपना कंसंट्रेट जो है वो ब्लाइंड या अनइनफॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज जो हैं वो उस पर बात करेंगे। और उससे पहले, इनफैक्ट सर्च स्ट्रेटजीज से पर बात करने से पहले, हम ये देखेंगे कि किसी भी सर्च स्ट्रेटजी की क्वालिटीज जो हैं, जो डिज़ायरेबल क्वालिटीज हैं, वो क्या होती हैं और क्या होनी चाहिए। और आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में हम
इवैल्यूएशन ऑफ सर्च स्ट्रेटजीज, जो सर्च स्ट्रेटजीज हम अपने प्रोग्राम में आज डिस्कस करेंगे उनको इवैल्यूएट करेंगे। तो आइए हम ये देखते हैं कि सर्च क्या चीज़ है। बुनियादी तौर पर सर्च जो है वो हमें हेल्प करती है, इट फैसिलिटेट्स अस टू रीच फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द गोल स्टेट। तो सर्च इज यूज टू फाइंड अ सोल्यूशन, नंबर वन। नंबर टू, इट चेक्स इफ द करंट स्टेट इज द गोल स्टेट। लेट्स से हमारा एजेंट जो है वो किसी स्टेट में है और उस स्टेट से बेशतर इसके के एजेंट किसी नेक्स्ट स्टेट में मूव करे, वो चेक ये करता है, सर्च हमें ये हेल्प करती है कि क्या जिस स्टेट में वो एजेंट है वो गोल स्टेट तो नहीं है। अगर गोल स्टेट में है तो ऑब्वियसली वो उसको टर्मिनेट कर देगी, अदरवाइज अपनी सर्च को आगे बढ़ाएगी। तो सर्च हमें ये फैसिलिटेट करती है टू इवैल्यूएट इफ द करंट स्टेट इज द गोल स्टेट, एंड देन एक्सपेंड द स्टेट, अप्लाई द ऑपरेटर टू द करंट स्टेट जनरेटिंग ए न्यू सेट ऑफ स्टेट्स। अगर हमारी करंट स्टेट गोल स्टेट नहीं है तो उस स्टेट को सर्च जो है वो हमें हेल्प करती है कि वो एक्सपेंड करे और अगली स्टेट्स में जाए टू फाइंड इफ एनी ऑफ द एक्सपेंडेड स्टेट्स इज ए गोल स्टेट, एंड देन इफ देर आर मल्टीपल ऑप्शंस टू कंटिन्यू वी नीड ए सर्च स्ट्रेटजी टू डिसाइड विच स्टेट टू एक्सपेंड फर्स्ट। अब हमारा एजेंट जो है अगर किसी खास स्टेट में है एंड दैट स्टेट इज नॉट ए गोल स्टेट एंड द एजेंट कैन गो इन मल्टीपल स्टेट्स, तो सर्च स्ट्रेटजी हमें फार्मूलेट करना पड़ती है। एंड सर्च स्ट्रेटजी हेल्प्स अस कि इफ वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू द नेक्स्ट स्टेट, तो विच ऑप्शन वी शुड फॉलो और विच ऑप्शन द एजेंट शुड फॉलो। सर्च फैसिलिटेट्स अस टू डेवलप ए सर्च स्ट्रेटजी। सर्च पे मजीद बात करने से पहले यह जरूरी है कि हम थोड़ा सा सर्च ट्रीज के बारे में डिस्कस कर लें। आपको यकीनन ये जानते होंगे, बड़ी बुनियादी सी बात है कि अगर आप किसी भी एक स्टेट में हैं तो उस स्टेट से अगली आपके पास मल्टीपल स्टेट्स में आप जा सकते हैं और फिर अगली स्टेट से फर्दर आप मल्टीपल स्टेट्स में जा सकते हैं। गोइंग फ्रॉम, और जाहिर है जिस जगह से आप शुरू कर रहे हैं इनिशियल स्टेट जो है वो इज डिस्क्राइब बाय द रूट नोड। आप रूट नोड से शुरू करते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए आप बस मल्टीपल पैथ्स हो सकते हैं, एक नोड से आप मल्टीपल नोड्स में जा सकते हैं, एंड सो ऑन। नोड से, रूट नोड से लेके सबसिक्वेंट मल्टीपल नोड्स में डिफरेंट लेवल्स पे एज द सर्च ट्री प्रोग्रेसेस, हम उसको सर्च ट्री कहते हैं। उस चीज की रिप्रेजेंटेशन को रूट नोड से आगे आपके जो जिन्हें आप लीफ नोड्स कह लें, उन नोड्स तक जाने में जाने के जो वेरियस पैथ्स हैं जो हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम सर्च ट्री कहते हैं। द रूट इज द सर्च नोड कॉरस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल स्टेट एंड लीफ नोड्स आर स्टेट्स विदाउट सक्सेसर्स। ये चीज जहन में रखने की है कि रूट नोड जो है कॉरस्पॉन्डिंग टू इनिशियल स्टेट होता है और लीफ नोड्स आर स्टेट्स विदाउट सक्सेसर्स। इसकी दो सूरत हाल हो सकती है, नंबर वन नॉट येट एक्सपेंडेड। अगर आप किसी भी ऐसे नोड पे हैं जो अभी एक्सपेंडेड नहीं है तो उस नोड को आप लीफ नोड ट्रीट कर सकते हैं, या हमारी सर्च जो है ये डिटरमिन कर चुकी होती है कि दैट इज उससे आगे जो है वो आपकी सर्च जो है वो मूव नहीं कर सकती और द एम्प्टी सेट वाज जनरेटेड। मतलब इसी सर्च ट्री के कॉन्सेप्ट को एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। फर्ज करें कि आप रावलपिंडी से चलते हैं और आपने मुल्तान पहुंचना है और आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। उन मल्टीपल चॉइसेस को जब आप रिप्रेजेंट करते हैं तो एक सर्च ट्री जो है वो मौजूद में आता है। लेट्स से कि हम पिंडी से स्टार्ट करते हैं, एक हमारे पास चॉइस है कि हम चकवाल जाएं पिंडी से, दूसरा चॉइस है जेहलम जाएं, तीसरा चॉइस है कि पिंडी से हम फैसलाबाद जाएं, और हमारा पिंडी से स्टार्ट करना जो है दैट इज आर इनिशियल स्टेट। और जब हम पिंडी की जो स्टेट है उसको एक्सपेंड करते हैं, आफ्टर एक्सपेंडिंग द पिंडी विच इज आर रूट नोड, तो वी रीच चकवाल, जेहलम और फैसलाबाद। अब हम अभी मुल्तान नहीं पहुंचे हैं, अभी हमारा जो गोल है टू रीच मुल्तान जो है वो अभी हमारा नहीं पहुंचा, तो उसको फर्दर विल एक्सपेंड, और उसको एक्सपेंड करने के लिए हम चकवाल को एक्सपेंड कर सकते हैं, झेलम को एक्सपेंड कर सकते हैं, फैसलाबाद को एक्सपेंड कर सकते हैं। आइए हम देखिए कि चकवाल को एक्सपेंड करते हैं तो हम चकवाल से डी आई खान जा सकते हैं, चकवाल से हम सरगोधा जा सकते हैं, चकवाल से हम लैया जा सकते हैं,
और चकवाल से हम मियांवाली जा सकते हैं। जब हम पिंडी हमारा रूट नोड है, रूट नोड को एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास तीन चॉइसेस आते हैं। उन तीन चॉइसेस में से पहले वाले चॉइस को जब हम एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास चार चॉइसेस आते हैं, डीआई खान, सरगोधा, लैया और मियांवाली। तो ये जो है आफ्टर एक्सपेंडिंग द चकवाल नोड, इनिशियल स्टेट से जो पिंडी नोड है उसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास तीन फर्दर नोड आए। उन तीन में से एक को एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये चार फर्दर नोड्स आए। तो दिस इज हाउ वी फॉर्मुलेट ए ट्री जनरेटिंग एन एक्शन सीक्वेंस इन ए सर्च ट्री। सर्च के लिए हमने आपने देखा कि हम जब भी कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं तो उसको देखते हैं कि प्रोग्राम की शक्ल में उसको हम कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। अगर हमारा जो सर्च एल्गोरिदम है, एक जनरल सर्च एल्गोरिदम जो है उसका फॉर्मेट क्या होता है, आइए देखते हैं। फंक्शन, जर्नल सर्च प्रॉब्लम, स्ट्रेटजी एंड रिटर्न्स ए सॉल्यूशन और ए फेलियर। जब हम इस प्रॉब्लम को रन करते हैं, जब इस फंक्शन को जब हम ये कहते हैं कि जर्नल सर्च प्रॉब्लम एंड यूजिंग ए स्ट्रेटजी रिटर्न्स एन एक्शन और ए फेलियर, अगर तो हम किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो वो हमें एक्शन देता है। अगर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, हम फर्दर उस पर एक्सपेंड नहीं कर सकते, अपनी सर्च को आगे नहीं बढ़ा सकते, तो हमारा एजेंट या हमारा प्रोग्राम जो है वो फेलियर डिक्लेयर कर देगा। एक डू लूप जो है, इनिशियलाइज द सर्च यूजिंग इनिशियल स्टेट ऑफ प्रॉब्लम। जब हम इनिशियल स्टेट को इनिशियलाइज करते हैं तो लेट्स से वी कम इनटू ए डू लूप, इफ देर आर नो कैंडिडेट्स फॉर एक्सपेंशन देन रिटर्न ए फेलियर। हमारा शुरू में ही हमारा जो जो प्रोग्राम है या हमारा जो एजेंट है वो देखता है कि क्या ये गोल स्टेट है या नहीं है, या उसको आगे बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता। अगर नहीं बढ़ा सकता तो वो फेलियर डिक्लेयर कर देता है। चूज ए लीफ नोड फॉर एक्सपेंशन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी। अगर हमारे एजेंट के पास जो भी स्ट्रेटजी हमने उसे दी है, उस स्ट्रेटजी को लेता है और उस स्ट्रेटजी से उस नोड को आगे एक्सपेंड करता है। इफ एक्सपेंशन के बाद If the node contains a goal state, then return the corresponding solution. Else, expand the node and add resulting nodes to the search tree end. ये हमारी एक general search algorithm है, जिसकी जिसमें बहुत सारी complexities based on whatever search strategy we are following, वो उसमें हम डालते जा सकते हैं। यहाँ पे एक चीज जो है वो बहुत ही अहम है, समझने वाली है, वो ये है कि एक सर्च स्टेट में और सर्च ट्री में क्या डिफरेंस है। सर्च स्टेट जो है, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं तो सर्च स्टेट्स आर रिलेटिवली लिमिटेड इन नंबर। जब आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो यू कैन यूज मल्टीपल पैथ्स, मल्टीपल नोड्स आपके पास एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या आप यूं कह सकते हैं कि सर्च स्टेट में अनलिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं, जबकि आपकी सर्च स्पेस जो है वो रिलेटिवली लिमिटेड होती है। देयर इज एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन स्टेट स्पेस एंड सर्च ट्री। आपको याद है कि हमने डिफाइन किया था कि स्टेट स्पेस जो है दैट इज डिस्क्राइब बाय द इनिशियल स्टेट एंड द ऑपरेटर्स, ठीक है। द राउट फाइंडिंग, आपको याद होगा कि हमने वो रोमानिया वाली जो मिसाल दी थी कि एक शहर से एरिड से बुखारस्त जाना चाहता है, तो उस मिसाल में हमारे पास स्टेट्स जो हैं, द राउट फाइंडिंग प्रॉब्लम हैज ओनली 20 डिफरेंट स्टेट्स, बट इट कैन हैव अनलिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स। तो क्या डिफरेंस हुआ कि स्टेट स्पेस जो है नंबर वन लिमिटेड होती है और स्टेट स्पेस में आपके पास अनलिमिटेड नंबर ऑफ नोड्स हो सकते हैं। देर आर एन इनफिनिट नंबर ऑफ पैथ्स इन द स्टेट स्पेस, सो द सर्च ट्री हैज एन इनफिनिट नंबर ऑफ नोड। सर्च ट्री जो है, सर्टनली हमने सर्च स्ट्रेटजी जब हम फॉर्मुलेट करते हैं तो उसको अपने एजेंट में प्रोग्राम करने के लिए हमें वी नीड सम सॉर्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो सर्च ट्री के लिए हमने लेट्स से उसमें नोड्स हैं और उसमें एक्सपेंशन क्यूज हैं। सर्च ट्री में एक्सपेंशन क्यूज हैं, आपने देखा, और नोड्स हैं। तो उनको किसी भी
इंटेलिजेंट प्रोग्राम में या एजेंट में प्रोग्राम करने के लिए हम उसको नोड्स को के लिए भी एक डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं और एक्सपेंशन क्यूज़ के लिए भी एक डेटा स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करते हैं. एंड लेट्स लुक हाउ इट लुक्स लाइक. नोड्स का डेटा स्ट्रक्चर जो है, ए नोड हैज़ द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स. द स्टेट इन द स्टेट स्पेस टू विच दिस नोड कॉरस्पॉन्ड्स. देन वी हैव ए पेरेंट नोड, द नोड दैट जनरेटेड द नोड, द ऑपरेटर दैट वॉज अप्लाइड टू जनरेट द नोड, द डेप्थ, the number of nodes on the path from the root to this node. ये हम describe कर रहे हैं उस नोड को जिस नोड में हम इस वक्त exist कर रहे हैं, जिस नोड पर हम इस वक्त बैठे हैं. पेरेंट्स नोड से नोड तक, जिस नोड में बैठे हैं उस नोड तक पहुँचने के रास्ते को वी कॉल पैथ. और उस पैथ की कितनी डेप्थ है, द नंबर ऑफ नोड्स, एंड दैट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन बाई नंबर ऑफ नोड्स ऑन द पैथ फ्रॉम द रूट नोड to this node and the path cost of the path from the initial state. इसी तरह से expansion queues जो हैं, expansion queues पे भी हमें को भी हम जब search tree में denominate करते हैं, search tree में represent करते हैं, तो उसके लिए भी हमें एक उसको as data structure जब treat करते हैं तो various issues हैं जो हम जिनको represent करते हैं. Fringe एक अहम concept है expansion queue में, which is the collection of the nodes that are waiting to be expanded. जब आप किसी node पे बैठे हैं तो आप search strategy जो है जब आप formulate कर रहे होते हैं तो उसमें fringe का concept बहुत अहम है. और fringe वो nodes हैं जो कि they are waiting to be expanded. The search strategy selects a node from this set. Then implemented as a queue with the operations. जो data structure हमने बात किया expansion queues का वो ये है, make queue elements to create a queue with the given element. Then empty queue returns true only if there are no more elements in the queue. A remove front queue removes the element at the front of the queue and returns it. And queuing function elements queues insert a set of element in the queue. तो ये एक्सपेंशन क्यूज की का डेटा स्ट्रक्चर जो है उसमें ये चार चीज़ें जो हैं ये इंतहाई अहम हैं. जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि जब हमारे पास मल्टीपल ऑल्टरनेट्स हैं कि हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है, हम अपने इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक जाने की कोशिश कर रहे हैं या जाना चाहते हैं, तो वी हैव मल्टीपल टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज, सर्च स्ट्रेटजीज व्हाट वी कॉल आर अवेलेबल. तो इससे पेशतर कि हम सर्च स्ट्रेटजीज पर बात करें, आइए ये देख लें कि किसी भी सर्च स्ट्रेटजी के अहम तरीन निकात जो हैं वो क्या होते हैं. व्हाट आर इसेंशली द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सर्च स्ट्रेटजी. दे आर नंबर वन, कंप्लीटनेस. कैन दैट सर्च स्ट्रेटजी विच वी आर इवेल्युएटिंग रिटर्न और रीच ए गोल स्टेट एट ऑल. ये भी हो सकता है कि आप एक ऐसी सर्च स्ट्रेटजी फॉलो करें जो कि आपको आपके गोल तक पहुंचा ही ना सके, रिगार्डलेस हाउ मच मेमोरी यू हैव, हाउ मच टाइम यू हैव. तो कंप्लीटनेस इज वन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सर्च स्ट्रेटजी दैट ए स्ट्रेटजी लीड्स टू फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू द गोल स्टेट. सेकंड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. हाउ लॉन्ग डज इट टेक. लेट्स से आपने आपका एजेंट जो है या आपकी सर्च जो है वो आपको कितना वक्त लगाती है एक इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने में. जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे डिफरेंट सर्च स्ट्रेटजीज को, तो आप ये यकीनन देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है किसी भी सर्च स्ट्रेटजी के लिए इंतहाई अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है. नेक्स्ट, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. हाउ मच मेमोरी इज नीडेड by the agent to reach from the initial state to the goal state. And last, the optimality. Optimality is another important characteristics and consideration of an agent. Ke whatever cost is associated to that search strategy from the initial state to the goal state is that optimal. Toh ye char cheezein, completeness, space complexity, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ऑप्टिमैलिटी, ये चार चीज़ें जो हैं
किसी भी सर्च स्ट्रेटजी के लिए इंतहाई अहम होती हैं। हमारे पास सर्च की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन जनरली हम सर्च को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। नंबर वन, अनइन्फॉर्म्ड और ब्लाइंड सर्च। नंबर टू, इन्फॉर्म्ड और ह्यूरिस्टिक सर्च। अनइन्फॉर्म्ड और ब्लाइंड सर्च, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ स्टेप्स इज अवेलेबल, नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पैथ कॉस्ट इज अवेलेबल। और इन्फॉर्म्ड और ह्यूरिस्टिक सर्च में इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल पाथ कॉस्ट और नंबर ऑफ स्टेप्स इज यूज्ड। यहाँ पे आप अगेन आप वो रोमानिया वाली जो है कि आप अरेड से बुखारस्ट जाना चाहते हैं, आपके पास मैप नहीं है, रैंडम इज द ओनली वे, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो ब्लाइंड सर्च है। अगर आपके पास आपकी सर्च स्पेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आपने किस स्टेट से अगली स्टेट तक पहुंचने के लिए आप कौन सा राउट फॉलो करेंगे, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अवेलेबल नहीं है, तो आपको रैंडम जाना पड़ेगा और हमारी सर्च, उस सर्च को हम ब्लाइंड सर्च कहेंगे। और आज के प्रोग्राम में हम ब्लाइंड सर्च की 6 डिफरेंट किस्में जो हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, उसके बाद हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च की आगे एक नेक्स्ट इटरेशन जो है वो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च है, डेप्थ फर्स्ट सर्च को हम डिस्कस करेंगे, डेप्थ लिमिटेड सर्च को डिस्कस करेंगे, इंटरेक्टिव डीपनिंग सर्च को डिफरेंट डिस्कस करेंगे और बाई डायरेक्शनल सर्च को डिस्कस करेंगे। यानी अनइन्फॉर्म्ड और ब्लाइंड सर्च की 6 डिफरेंट किस्में जो हैं उनके बारे में हम अब ज़रा तफसील से बात करेंगे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है, रूट नोड इज एक्सपेंडेड फर्स्ट, ऑल नोड्स एट डेप्थ डी इन द सर्च ट्री आर एक्सपेंडेड बिफोर द नोड एट द डेप्थ डी प्लस वन एंड इंप्लीमेंटेड बाय पुटिंग ऑल द न्यूली जनरेटेड नोड एट द एंड ऑफ द क्यू। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में आप रूट नोड पे हैं, रूट नोड पे आपका जो नेक्स्ट लेवल है, आप नेक्स्ट लेवल पे जितने भी नोड हैं उनको सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद आप उससे अगला जो लेवल है उनको एक्सप्लोर करेंगे और एंड सो ऑन। रूट नोड, उसके बाद आपका जो लेवल वन के नोड है उनको एक्सपेंड करेंगे और सर्च करेंगे, सारे के सारे ब्रेथ में आप ब्रेथ वाइज जाएंगे, उसके बाद आप अगले में जाएंगे। और उसकी डायग्रामेटिक जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरह से होगी कि रूट नोड में हैं आप, रूट नोड से आप लेवल वन के जो नोड्स हैं उन दोनों को एक्सप्लोर करेंगे, लेवल वन के जो नोड, दिस नोड एंड दिस नोड, उसके बाद आप इस लेवल के जो नोड हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे, फिर एक्सप्लोर इस तरह से। मीन्स आप सबसे पहले आपकी सर्च जो है इस नोड पे होगी, उसके बाद ये वाले दो जो नोड हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद आप ये वाले जो चार नोड हैं इनको एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज द ब्रेथ फर्स्ट, कि आप ब्रेथ वाइज जो उसके जो नोड्स एक्सपेंशन हो रही है उनको आप लेवल बाय लेवल सर्च करते जाएंगे। ब्रेथ फर्स्ट सर्च की कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डीमेरिट्स हैं। जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च की मेरिट्स हैं वो हैं कंप्लीटनेस। आप जब उसको एक्सप्लोर करते हैं ब्रेथ फर्स्ट में, तो यू सिंपली कैन नॉट मिस ए नोड एंड यू विल डेफिनेटली रीच योर गोल स्टेट रिगार्डलेस हाउ मच टाइम इट टेक्स। इट इज कंप्लीट, इफ देर इज अ सोल्यूशन इट विल बी फाउंड। नंबर टू, इट्स ऑप्टिमैलिटी, द सोल्यूशन विद द शॉर्टेस्ट पैथ लेंथ इज फाउंड फर्स्ट। कि अगर आपकी जो इनिशियल स्टेट है उससे गोल स्टेट तक जो सोल्यूशन है, जो शॉर्टेस्ट पैथ लेंथ है, वो सबसे पहले आएगा, क्योंकि आप अपने रूट से लेके सारे जो सब्सिक्वेंट ब्रेथ में आपके नोड्स हैं उन सबको एक्सप्लोर करने के बाद आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। तो इसके कुछ इश्यूज भी हैं। एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इशू इन द ब्रेथ फर्स्ट सर्च। नंबर वन, टू फाइंड द सोल्यूशन एट डेप्थ डी इन ए ट्री विद ब्रांचिंग फैक्टर बी, वन प्लस बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस बी क्यूब प्लस बी डी, नोड्स नीड टू बी एक्सपेंडेड। यहाँ पे जब हम एक्सपोनेंशियल कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं ब्रांचिंग फैक्टर। ब्रांचिंग फैक्टर इज ए हाइपोथेटिकल नंबर विच डिटरमिन्स के आपकी जो नोड हैं उनको आप कितने पॉसिबल नोड्स में, कितनी पॉसिबल ब्रांचेस में एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वो ब्रांचिंग फैक्टर जो है वो डिटरमिन करती है कि आपकी ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है वो कितनी बड़ी है।
अगर आपका ब्रांचिंग फैक्टर जो है वो हाई है तो सर्टनली यू कैन एंड अप इन अनलिमिटेड सॉर्ट ऑफ सर्च जो है. तो इसका मेन इशू जो है एक्सपोनेंशियल, इसको हम एक मिसाल के जरिए वाजे करते हैं. हम अज्यूम करते हैं कि ब्रांचिंग फैक्टर बी इज 10, आर कैलकुलेशन स्पीड इज 1000 नोड्स पर सेकेंड, या आर सर्च स्पीड इज 1000 नोड्स पर सेकेंड एंड 100 बाइट्स पर नोड मेमोरी इज अवेलेबल. तो हमारा जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च है उसमें टाइम और नोड्स की एक्सपेंशन, यहाँ पे हम डेप्थ देखते हैं, नोड्स की एक्सपेंशन, टाइम और मेमोरी रिक्वायरमेंट जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आती है कि अगर जीरो डेप्थ है, एक नोड है, 1 मिलीसेकंड और 100 बाइट्स मेमोरी रिक्वायर्ड होगी. अगर डेप्थ 2 है तो 111 नोड्स विद 10 ब्रांचिंग फैक्टर, 0.1 सेकंड, 11 किलोबाइट. अगर डेप्थ 4 हो जाती है तो वी हैव 11,111 नोड्स, 11 सेकंड्स, 1 मेगाबाइट. तो आप देख रहे हैं अगर हमारी डेप्थ 6 है तो नोड्स 10 to the power 6 होंगे. अगर नोड्स 8 हैं तो हमारे नोड्स 10 to the power 8 होंगे. इसी तरह से जब हम 14 डेप्थ पे पहुंचते हैं तो हमारे नोड्स, नंबर ऑफ नोड्स जो है वो 10 to the power 14 है, एंड वी कैन टेक वर्चुअली द टाइम इज सो मच, यू कैन सी इट इज एन एक्सपोनेंशियली कॉम्प्लेक्स. वुड से के दैट इज वन ऑफ द, अगर हमारा ब्रांचिंग फैक्टर और डेप्थ ऑफ आर्टरी इज मैनेजेबल देन वी कैन रीच द सोल्यूशन. एंड बट थ्योरेटिकली ब्रेथ फर्स्ट सर्च विल रीच द सोल्यूशन इफ दैट एग्जिस्ट.